टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है कोल बेड मीथेन। सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। कोल बेड मीथेन से जुड़ी सरकार की नीतियों एवं दिशा निर्देशों पर चर्चा हो रही है। राज्यसभा में एक लिखित जवाब में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जानकारी दी। कोल बेड मीथेन को ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत माना जाता है। आइए देखते हैं कोल बेड मीथेन क्या है। कोल बेड मीथेन कोल डिपॉजिट अथवा कोल सीम में पाया जाने वाला प्राकृतिक गैस का अपरंपरागत रूप है। CBM का निर्माण कोलिफिकेशन की प्रक्रिया के दौरान होता है। प्लांट मटेरियल का कोयला में परिवर्तित होना कोलिफिकेशन कहलाता है। CBM को स्वीट गैस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं होता। मीथेन गैस कोयले की परतों के नीचे पाई जाती है। इसे ड्रिल करके नीचे उपस्थित भूमिगत जल को हटाकर प्राप्त किया जाता है। अब कोल बेड मीथेन के उपयोग को देखते हैं। कोल बेड मीथेन का उपयोग विद्युत उत्पादन में, वाहनों के ईंधन में संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG के रूप में, उर्वरकों के लिए फीड स्टॉक के रूप में और औद्योगिक उपयोग जैसे सीमेंट उत्पादन, रोलिंग मिल, स्टील प्लांट और मेथनॉल उत्पादन में किया जाता है। कुछ अन्य प्रमुख बातों पर नजर डालें तो भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार है। भारत में अनुमानित CBM रिजर्व लगभग 2600 बिलियन क्यूबिक मीटर है, जो 12 राज्यों में फैला हुआ है। पूर्वी भारत के गोंडवाना सेडिमेंट में सबसे ज्यादा कोयला भंडार है। वर्तमान में सभी CBM उत्पादक ब्लॉक भी गोंडवाना सेडिमेंट में ही हैं। दामोदर कोल घाटी और सोन घाटी में CBM उत्पादन की सबसे ज्यादा संभावना है। सर्वप्रथम तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC ने पश्चिम बंगाल में रानीगंज बेसिन के दुर्गापुर डिप्रेशन में 1995 में रिसर्च और डेवलपमेंट प्रयास के रूप में CBM एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम की शुरुआत की। झारखंड के झरिया में पहली बार कंपनी ने सितंबर 1997 में कोल बेड मीथेन निकाला। देश में CBM क्षमता का उपयोग करने के लिए भारत सरकार ने 1997 में एक CBM नीति तैयार की। CBM का वाणिज्यिक उत्पादन जुलाई 2007 में पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्रों से शुरू हुआ। हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के अनुसार ONGC वर्तमान में 4 CBM ब्लॉक झारखंड में झरिया, बोकारो और उत्तरी करनपुर तथा पश्चिम बंगाल में रानीगंज में ऑपरेट कर रही है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। कोल बेड मीथेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। इसके भंडार गोंडवाना सेडिमेंट में पाए जाते हैं। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प बी।